इंदौर में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने खंभ ठोक दिया है। जनपद और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। उन्होंने आज नामांकन के अंतिम दिन अपने फॉर्म जमा किए हैं, जिसके बाद अब भाजपा कार्यालय पर जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रत्याशियों का स्वागत किया गया, जहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने एकता का मंत्र दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भाजपा विकास के साथ साथ मानव कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। समता युक्त और शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। 150 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं को लेकर चुनाव क्षेत्र में जाएं और भाजपा का परचम लहराएं। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। हमारा चाल चरित्र आचरण व्यक्ति की आई जनता की निगाह होती है कि जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य है, ये जनता ने जनपद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। हमारा काम हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम आदर्श उदाहरण बने और अपनी भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को दिन ब दिन बढ़ाए। आप ये सब करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि जिस दिन मतदान है सब चाय बाद में पिएंगे, पहले मतदान के लिए जाएं। जब आप बड़ों का आशीर्वाद लो, प्रणाम करो, तो ये खड़ी पक्की उनसे जरूर कराना। हमने जब जब कराई माता बहनों ने सचमुच चाय बाद में पिए, पहले मतदान करके आए और जब मतदान के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगती है तो वह इस बात की गवाही देती है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए मतदाता निकला हुआ है। आप पूरी ऊर्जा से, पूरी मेहनत मगन ईमानदारी से हमको अपने भाइयों की कसौटी पर, अपनी भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर, अपने पुरखों की कसौटी पर खड़े उतरना है। बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने है। हम सफलता शत प्रतिशत ला कर दिखाएंगे। इन भाइयों को ये कहने के लिए बाध्य कर देंगे कि बहनी बहुत अच्छा काम करती है, अगली बार और भी इनका प्रतिशत बढ़े तो हम सब राजी है। इनके सम्मान में, इनके साथ में, इनके सहयोग में बस आप सबके माध्यम से राष्ट्रद्रोही कांग्रेसियों को चुनौती देना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोग जिन्होंने सदैव घर को भरा, जन कल्याण किया ही नहीं, कांग्रेसियों ने विकास कागज पर किया, धरातल पर कहीं दिखा ही नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी है जिससे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, जिससे सड़कों के जाल बिछा दिए। आप खुद गवाह है कि खेत की बिजली और घर की बिजली अलग करके 24 घंटे गांव के घरों को रोशन किया। ये भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को और परिवार को अपना परिवार मानती है। इसलिए हम प्रार्थना करने आए आप ही भारतीय जनता पार्टी को परिवार माने और शत प्रतिशत मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। मुझे पूरा भरोसा है हम सब मिलकर सफलता का अद्भुत परचम फहराएंगे। और ये कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के पास जाएं, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, इन चुनावों से ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रास्ता तय होगा। उन्होंने प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि सबसे पहले अपने क्षेत्र के वरिष्ठों से मिले, क्योंकि यदि उनका आशीर्वाद मिल गया तो आपकी जीत अपने आप तय हो जाएगी। जैसे बताया गया कि एक एक क्षेत्र से हमारे 5 नाम थे, 7 नाम थे, तो सभी सक्षम थे, पर पार्टी ने जिसके लिए निर्णय लिया वो बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे उस सक्षम नहीं थे या लड़ने लायक नहीं थे। तो आपसे निवेदन है पहले सबसे पहले उनसे जाके मिले जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख, जिनके नाम आए थे और प्रमुख हैं, और दूसरा एक रणनीति बना ले हमको
करना है, फिर ढोल दबा किसी काम नहीं होता है। ढोल दबा के तो होना ही चाहिए, वो तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार रणनीति बननी चाहिए। मुझे लगता है गाँव में तो एक ही वोट की कीमत रहती है, हमें मालूम होता है कौन किस प्रकार से। और आप ऐसा ही मत समझिए कि इनसे हमारी बनती नहीं बनती छोड़ दो। मुझे ध्यान है लोकसभा में अटल जी की सरकार एक वोट से शिवाजी की सरकार में एक लोकसभा था, और इसे एक राजस्थान में सीटी जोशी करके लड़े थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, और वो बहुत ही खुश थे कि मतलब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो कांग्रेस की सरकार बन गई राजस्थान में, लेकिन खुद के विधानसभा में वो वोट से आ गए थे, वो आज तक फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है, तो आप उसको गंभीरता से लें। हमें एक एक वोट की कीमत हमें सभी से मिल रहा है, और सबसे मिलकर जैसा कि विजय जनता दल ठोके मिल रहा है, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि चुनाव के बाद हम सब यहाँ मिलेंगे, और जैसा कि बताया गया। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने कहा कि कांग्रेस के पास न विजन है, न रीजन है, और न ही कांग्रेस का सीजन है। इस मौके पर उन्होंने एकता का मंत्र भी दिया और बताया कि जब राव विधानसभा से उनकी बजाय मधु वर्मा का टिकट हो गया था, तब उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे मधु वर्मा को बधाई देने का रास्ता अपनाया, और सभी को इस चुनाव में यही रास्ता अपनाना है। उधर उधर के सारे समर्थक पार्टी के कार्यकर्ता सब बैठे थे, नीचे के पट्टी में आया कि इंदौर राव विधानसभा से मधु वर्मा। मैंने एक मिनट की भी देरी नहीं लगाई, मैंने सोचा कि ये लोग कोई आड़ी टेढ़ी बात करे, कोई नेगेटिव बात करे, कोई दिमाग इनका खराब हो, सबको बोला गाड़ी में बैठो, सीधा हाथ खुलने के मधु भैया का स्वागत कर दिया। कोई झगड़ा ही तुमको नफरत नहीं मिला, मेरी पार्टी इसमें जो नहीं किया, मैंने सर्वमान्य मेरी क्या हस्ती मेरी का होता था कि मेरे जैसा एक सड़े से गांव में रहने वाला छोटे से किसान का बेटा ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाए, ये तो हस्ती ही क्या कोई बताइए। आप कल्पना करें, ये भारतीय जनता पार्टी है जो चाय वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राजस्थान का जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके उनको विधायक बनाने का काम करती है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो हमारा तो एक सिद्धांत है, सोचे मैंने कि अपना प्रयास करो, और प्रयास भी उन्हीं हद तक करो कि तुम्हारे शर्मिंदो नहीं होना पड़ा। प्रयास ऐसा करो कि ठीक है भैया, हम एक उपयुक्त कार्यकर्ता है, अगर तुम्हारे ठीक लगे तो हमारे लिए तुम सोच ही सकता है, यह बात दो। पर अपना दिमाग खराब करें मत रखो कि मनज तय कर लियो कि मुझे तो कर लो, तो फिर तो तुम्हारा भी भगवान मालिक नहीं है। और अपन ने तय करे कि नहीं, अपना बड़ा आदमी है, इनका तक अपनी बात पहुंचेगा, अगर भी जाए तो ठीक है, अगर वो काम तुम्हारा नहीं हो उससे 10 गुना काम बेहतर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा करेंगे, ये गारंटी है। आप लगे भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के स्वागत समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि यह सिर्फ पंचायत का चुनाव नहीं है, यह गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला चुनाव है। इसलिए हमें प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में उतरना है, और आगामी समय में बूथ संकल्प अभियान को भी सफलतापूर्वक सफल बनाना है, क्योंकि जीत का रास्ता यह अभियान तय करेगा। और जितने भी हमारे प्रत्याशी जनपद के जिला पंचायत के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं, कल और परसों दो दिन हमारी मंडलों की बैठक होने वाली है। मंडल की बैठक का स्थान और समय आज मंडल अध्यक्ष के माध्यम से आप सबको मालूम पड़ जाएगा। मंडल अध्यक्ष हमारे जितने उपस्थित हैं, जो अभी तक स्थान और समय नहीं बता पाए हैं, वो इस बैठक के तुरंत बाद सुभाष जी से संपर्क करके वोट वापस जाने का आग्रह है। दूसरा, जितने भी सब कार्यकर्ता में उपस्थित है हमारे प्रत्याशियों सहित, 10 तारीख को हम सब अपने अपने वोटों पर विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पूरे पूरे प्रदेश के 64,000 के हमारे वोट हैं, पूरे 64,000 वोटों पर विजय संकल्प अभियान एक ही दिन में एक ही समय पर प्रारंभ होने वाला है, तो इसकी भी तैयारी करनी है। उसमें हमको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना, उसमें पूरे जैसा आज हमने देखा कहीं कहीं कुछ सुस्ती लगा है, लेकिन इसको दूर करना है। 10 तारीख को पूरे ढोल धमाकों के साथ, झंडे बैनर पोस्टर के साथ, अपने समर्थकों के साथ, पूरे अपने जिला पंचायत वार्ड में हमको जनसंपर्क करना है। उसमें जो पत्र है हमारे केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, और साथ में भाजपा ही क्यों, भाजपा वन वोट क्यों गए, ऐसा पत्र है जिसमें उसकी डेटा दे दी। पत्र भी हमको एक एक घरों तक पहुंचाना है, कार्यकर्ता मौके तक पहुंचाना है। तो आज से हम सब 10 तारीख को विजय संकल्प अभियान की शुरुआत में लगता है, कल की बैठक में उसकी पूरी विस्तृत योजना उपयोग तैयार हो जाएगी, ये मेरा आश्वासन है। इसी में विशेष रूप से ध्यान है, और आगामी दीदी के उद्घाटन के बाद हमारे जितने भी जनपद के प्रतिनिधि, हमारे जितने जनपद के प्रत्याशी हैं,
मंच से उनका नाम ले जाएगा तो एक एक आप जनपद जिला है ना तहसील के हिसाब से उनका यहाँ पर बुलाते जाएंगे। हमारे संबंधित मंच से हमारे अतिथि उनका स्वागत करेंगे और हमारे सामने विधानसभा के प्रधान अंतर दयाल जी से मेरा आग्रह है, हमारे गाँव के प्रधान हमारा आदरणीय जी के लिए अपने जान साहब और गोपालपुर के प्रभारी भरत आंगना जी है जो अपन उपस्थित तो नहीं विधानसभा के चंदन की दृष्टि से प्रभारी रामविलास पटेल जी राउंड देखा तो आपसे मेरा आगे दीदी को स्मरण के बाद आप मंच पर आएंगे तो अपने अपने क्षेत्र के जनपद के मुद्दों का स्वागत हम सब यहाँ पर अधिकारियों के साथ में। इस स्वागत समारोह में चुनाव प्रभारी सुभाष चौधरी, कंचन सिंह चौहान, गुमान सिंह पवार, सुनील तिवारी, श्रवण सिंह चावड़ा, घनश्याम नारोलिया, रामविलास पटेल, रामस्वरूप गहलोत, अश्विन पटेल, सुभाष पाटीदार, अनुराधा जोशी, वरुण पाल, संगीता भार्गव, वीरेंद्र आंजना सहित जनपद व जिला पंचायत के समर्थित प्रत्याशी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।